हेलो एवरीवन, राधे राधे। पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हरतालिका तीज व्रत इस वर्ष कब किया जाएगा, किस दिन हमें व्रत करना है, व्रत में सर्गी हमें किस समय लेनी है और व्रत का पारण कब करना है, इन सभी विषयों पर आज हम बात करेंगे। तो संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। फ्रेंड्स, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और अपने घर में सुख शांति के लिए माता पार्वती का व्रत करती हैं। हरतालिका तीज व्रत में माता पार्वती का पूजन किया जाता है। पार्वती माता कोई भी पूजन तभी स्वीकार करती हैं जब उनके साथ भगवान शिव शंकर और भगवान गणेश जी का भी पूजन किया जाए। तो हरतालिका तीज व्रत में माता पार्वती की तो मूर्ति बनाते ही है मिट्टी से, साथ में ही भगवान शिव शंकर और भगवान गणेश जी की भी मूर्ति बनाई जाती है और फिर उनका पूजन किया जाता है। कवारी जो लड़कियां होती हैं वो हरतालिका तीज का व्रत मनचाहा वर पाने के लिए करती हैं। और देखिए, हरतालिका तीज व्रत में सर्गी ली जाती है क्योंकि ये बहुत कठिन व्रत होता है, इसे निर्जल करना होता है। तो कठिन व्रत होने के कारण बहुत से लोग सर्गी लेते हैं। सर्गी का जो समय है वो भी आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हरतालिका व्रत किस दिन करना है। तो इस वर्ष यानी 2022 में हरतालिका तीज व्रत 30 अगस्त दिन मंगलवार को किया जाएगा। पारण हमें 31 अगस्त को करना है। और देखिए, एक बार मैं फिर बता देती हूँ आपको कि हरतालिका तीज व्रत इस वर्ष यानी 2022 में 30 अगस्त दिन मंगलवार को किया जाएगा। अगले दिन बुधवार को व्रत का पारण करना है। ये एक निर्जल व्रत होता है तो काफी कठिन होता है, इसलिए इस व्रत के में सर्गी ली जाती है। सर्गी, कुछ लोग सर्गी लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं। तो अगर आप सर्गी लेते हैं तो 30 अगस्त को सुबह 5 बजे से पहले पहले सर्गी लेनी है, 5 बजे के बाद सर्गी नहीं लेनी है, क्योंकि सूर्य जब उदय होता है तो सूर्य उदय के साथ ही हमारा व्रत शुरू हो जाता है और सर्गी का जो समय होता है वो सूर्य उदय से 1 घंटे पहले तक का होता है। यानी कि आपको 30 अगस्त को सुबह 5 बजे तक अपनी सर्गी समाप्त कर लेनी है। जो भी आप सर्गी लेंगे वो 5 बजे तक आपको खा लेनी है, उसके बाद आपको सर्गी नहीं खानी है। तो ये क्लियर हो गया है कि सर्गी का क्या समय रहेगा। उसके बाद 30 अगस्त को पूरा दिन निर्जल व्रत किया जाता है। 31 अगस्त को हमें पारण करना है, यानी जिस दिन हरतालिका तीज व्रत होता है उससे अगले दिन हमें पारण करना होता है। पारण करने के लिए 31 अगस्त को आप सुबह 6 बजे के बाद ही पारण करेंगे, 6 बजे से पहले पारण नहीं करना है। पारण आपको 6 बजे के बाद ही करना है। पारण के समय भी पूजा की जाती है। और हरतालिका तीज व्रत की पूजा कैसे की जाती है, प्रेग्नेंट जो लेडीज है वो व्रत कैसे करती हैं, अगर आप बीमार हैं तो व्रत कैसे कर सकते हैं, कवारी लड़कियां व्रत कैसे करती हैं, व्रत में क्या सामग्री चाहिए होती है, सुहाग कैसे लेना होता है, संपूर्ण जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। सभी के लिए मैंने वीडियोज अपलोड की हुई है, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उन्हें भी एक बार जरूर देखना ताकि हरतालिका तीज व्रत के विषय में आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ कि इस वर्ष यानी 2022 में हरतालिका तीज व्रत 30 अगस्त दिन मंगलवार को किया जाएगा और व्रत का पारण 31 अगस्त को किया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।